नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाएंगे कैरी का अचार। कैरी का अचार बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे कैरी का अचार बनाने के लिए हम लेंगे कैरी 50 ग्राम सौंफ लेंगे, जो मैंने मिक्सी के जार के अंदर दरदरा पीस लिया है सौंफ को, और 100 ग्राम हल्दी लेंगे, जिसे 50 ग्राम हल्दी हम अचार में डालेंगे। मिर्च 50 ग्राम मिर्ची लेंगे, लाल मिर्ची पाउडर 50 ग्राम मैंने यहाँ पे मेथी का दाना लिया है वो हम अचार में डालेंगे, और 50 ग्राम मैंने काला जीरा लिया है, और 150 ग्राम नमक लिया है, 100 ग्राम नमक हम अचार में डालेंगे। तेल यहाँ पे मैंने गरम लिया है, आधा लीटर तेल मैंने गरम कर लिया है, जिसे हम अचार में डालेंगे। आधा लीटर तेल गरम करके ठंडा कर लिया। कैरी का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 1.5 किलो कैरी लिया, 1 किलो और 500 ग्राम कैरी मैंने यहाँ पे कैरी को धो के रखा है। धो के अब हम इन कैरियों को अच्छे से साफ करके कट करके रख लेंगे। कैरी को कट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक बिछाया है, जिस पर कैरी बहुत आसानी से कट होगी और हम कैरियों को साफ भी कर लेंगे। कैरियों को कट करने के लिए हमें काट के पट्टी लेंगे, जिससे हमारी कैरियाँ आसानी से कट हो जाएगी। इसके ऊपर हम ये कपड़ा लगा लेंगे। कैरी को यहाँ पे ऐसे रखेंगे और कुल्हाड़ी की सहायता से कैरी को कट करें। कैरी हमारी कटकर बिल्कुल तैयार है। अब कैरी के अंदर से हम ये जो गुठलियाँ हैं वो निकाल देंगे। इन गुठलियों से अचार है जो ख़राब हो जाता है। सारी गुठलियाँ हम निकाल कर कैरियों को इस टब के अंदर डाल लेंगे। तो प्लास्टिक का मैंने बर्तन लिया है, इसके अंदर कैरियों को डाल लेंगे। ये जो गुठलियाँ हैं सारी हमें निकालनी है। इसी प्रकार से हम सभी कैरियों की गुठलियाँ वो निकाल लेंगे। कैरी हमारी साफ हो गई, हमने साफ कर लिया, सारी गुठलियाँ निकाल ली। अभी हम इसमें नमक और हल्दी लगाएंगे। कैरी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हम इनमें नमक और हल्दी लगाएंगे। हल्दी नमक लगाकर हम इन्हें 3-4 घंटे के लिए सूखने के लिए रख देंगे। हम 1.5 किलो कैरी में कम से कम 100 ग्राम नमक हम लगाएंगे। पचास ग्राम हम हल्दी लगाएंगे, 2 बड़े चम्मच। अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्दी और नमक कैरी की कप्पी के चारों तक चिपका देंगे। अच्छे से लाए लाकर मिक्स करेंगे, ताकि अच्छे से हमारी जो कैरी की कप्पी है उनके चारों तरफ हल्दी और नमक लग जाए, जिससे हमारी कैरी जब हम सुखाएंगे तब ख़राब नहीं होगी। ये अचार हमारा 1 या 2 बरस तक ख़राब नहीं होगा। कैरी की काफियों को नमक और हल्दी लगाने के बाद बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हाथ लगाने से हमारी जो अचार है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए हल्दी या नमक लगाने के बाद में सिर्फ चम्मच से ही हिलाना चाहिए। हम इन्हें रूम के अंदर पंखा चलाकर सुखा देंगे। हम इन्हें धूप में नहीं सुखाएंगे, पंखे के नीचे सुखाएंगे। पंखे के नीचे 4 घंटे तक सुखा के रख देंगे। 4 घंटे हो गए हैं, कैरियाँ हमारी सूखकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से सूख गई है कैरियाँ। जिस बर्तन में हमने कैरियों को कट किया था उसी में निकाल लेंगे।
करियों को हमने बर्तन के अंदर निकाल लिया है, अब हम इसमें मसाला डालेंगे। करियों के अंदर हम मसाला मिक्स करेंगे, जो 50 ग्राम सूप मैंने ली थी वो डालेंगे, और 50 ग्राम काला जीरा लिया था वो भी डाल देंगे, 50 ग्राम मेथी दाना लिया था वो भी डाल देंगे, 50 ग्राम हमने मिर्च पाउडर लिया था उसमें से हम 2 बड़े चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे। अगर आपको तीखा अचार पसंद हो तो आप थोड़ा और डाल सकते हैं मिर्ची पाउडर। नमक और हल्दी हमने पहले ही लगा लिया था, अच्छे से मिक्स कर देंगे। तेल हम थोड़ा डालेंगे, एक बार तेल हमने थोड़ा सा डाल दिया है, थोड़ा मिक्स मिक्स कर देंगे अच्छे से। मसालों को अच्छे से मिक्स कर दें। कह रही हूँ कि हम अचार में हम बिल्कुल भी हाथ नहीं डालेंगे, हाथ डालने से हमारा जो अचार है वो ख़राब हो जाता है, इसलिए चम्मच का इस्तेमाल करेंगे। तेल हमने 50 ग्राम काम में लिया है, बाकी जो तेल है वो हम डब्बे के अंदर अचार को डालने के बाद तेल को उसके अंदर डालेंगे। अचार हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, अचार को हम डिब्बे के अंदर डाल देंगे, धीरे धीरे डालेंगे अचार को डिब्बे के अंदर। हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है अचार को, चम्मच से ही डालेंगे डिब्बे के अंदर भी। अचार हमने डिब्बे के अंदर डाल लिया है, अचार हमने डिब्बे के अंदर डाल लिया है, अब हमारा जो तेल है वो हम डाल देंगे। अचार को अच्छी तरह से तेल के अंदर डुबो देंगे, जिससे हमारा अचार है वो ख़राब नहीं होगा, और 2 साल तक ये हमारा अचार है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बीच बीच में अचार को धूप दिखाते रहना है, 2-4 दिनों से बीच बीच में अचार को धूप दिखाते रहेगा तो आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। थोड़ा तेल और डालेंगे, अचार की कापियों को अच्छे से दबाना है। अच्छे से दबा देंगे तेल के अंदर, अचार को बीच बीच में 2-3 दिन से हिलाते रहना है। अचार को ऊपर नीचे ऐसे करते रहिएगा ताकि आपका अचार अच्छे से गल जाए, और 10 या 15 दिन के अचार आपका अच्छे से गल जाएगा। अगर आपको मेरी अचार की रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रेसिपी को आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।